हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एमिरेट ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर की मैच की, मैच जो होने वाला है। यहाँ पे हम लोग पिच रिपोर्ट की जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अगर 100 की मैचेस की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे वोमेंस मेंस दोनों जो है वो मैचेज होने वाले हैं। तो उनका जो हम लोग एक बार पिच रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो है यहाँ पे कैसे अभी तक जो है मैचेज हुए हैं, किस तरीके से हो सकता है। तो अभी तक यहाँ पे जो मैचेज हुए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेज हुए हैं, आपको जान के जो है बहुत ही मज़ा आएगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। और साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, यहाँ पर जो है आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो अब बात करते हैं यहाँ पे ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर की। तो ये जो है काफ़ी पुराना ग्राउंड है, 1857 का जो है वो ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। कैपेसिटी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा है, और इसके अलावा अगर 100 में आप देखोगे अभी तो 100 में जो है पूरी फुल कैपेसिटी के साथ जो है सारे मैचेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है मैचेज यहाँ पे हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है ये मैचेज हो सकता है और कैसे हो सकता है जहाँ पे ये मैचेज होने वाले हैं वोमेंस मेंस दोनों का। तो अभी तक जो यहाँ पे मैचेज हुआ है अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो ये जो है बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिल रहा है। बैटिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो परफॉर्म करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तभी आप देखोगे कि आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं कि बैट्समैन के हिसाब से तो ओशियनिक कंडीशन है, स्विमिंग कंडीशन भी जो है अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन बैटिंग जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसका रीज़न भी है क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में भी आप देखोगे तो पहले भी जब वहाँ पे वो काफ़ी सारे जब मैचेज हो रहे थे तो उनमें भी देखने को मिल रहा था कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वहाँ पर मैचेज होता है, बैटिंग होता है, और जो प्लेयर्स जो है उस ग्राउंड को जानते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और ओवल शेप में ग्राउंड है तो आप देखोगे ओवल शेप में जब ग्राउंड रहता है तो आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि एक तरफ जो है बाउंड्री छोटा पड़ जाता है और एक तरफ जो है जो बड़ा पड़ जाता है, और जो वहाँ जानता है वहाँ रहता है वो जो है इसका बहुत ही बढ़िया फायदा जो है वो उठा लेता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो है आपको ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ की एवरेज ग्राउंड जो है वहाँ के एवरेज स्कोरिंग स्कोर जो है 170 के आसपास हो गया है। ये T20 की बात करते हैं। अगर 100 की बात करते हैं, यहाँ पे दो मैचेस खेला गया है जिनमें एक में 189 रन बना था और दूसरे में जो है 161 रन बना था। और इंटरेस्टिंग बात ये जाना कि दोनों जो है वो चेस हो गया था। जो 191 रन बना था ये जो है हाइएस्ट चेस जो है वो आपको देखने को मिला है कि 192 रन जो है वो बना के चेस कर लिया, 93 रन बना के चेस कर लिया। इसके अलावा 161 रन की बात करें तो ये भी जो है वो चेस डाउन हो गया था। दोनों मैचेज जो यहाँ पे हुए हैं अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुए हैं। वोमेंस वाले मैच में भी जो बहुत बढ़िया जो है रन बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अभी मैचेज होंगे आप बिल्कुल बैटिंग के हिसाब से जो हो चल सकते हो कि एक बहुत ही बढ़िया सा जो है वो स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक बहुत ही बढ़िया सा जो है वो रन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उस तरीके से जो है आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग कि अभी तक जो है वो T20 का सेट देखे, T20 में 8 मैच में 2 जो है फर्स्ट बैट जीता है और 6 जो है सेकेंड बैट जीता है। और इसे आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ सेकेंड बैट में जो है कितना मज़ा आता है। और इसके अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक मैच होगा तो डोमेस्टिक में भी जब देखोगे तो डोमेस्टिक में हालांकि फर्स्ट बैट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इफेक्टिव। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 100 में, तो 100 में अभी दो मैचेज हुए हैं और दोनों को दोनों जो है सीज हुआ है। और इसके अलावा हम बात करते हैं लास्ट एडिशन का, तो लास्ट एडिशन में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है टोटल 4 मैचेज हुए थे, 2 जो है नो रिजल्ट हो गया था, एक बारिश के कारण और दूसरा भी जो है बारिश के कारण ही जो है हल्का सा, एक तो मतलब टॉस भी नहीं हुआ था और दूसरा जो है वो आपको देखने को मिला कि वहाँ पे हल्का सा जो है वो बूंदाबांदी जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद से आपको देखने को मिला कि यहाँ पे जो है वो आपको ये मार्केट जो है वो एक तरीके से बारिश हो गया और मैच जो नहीं हुआ। दो मैच यहाँ पे हुए थे तो एक डिफेंड हुआ था और एक जो है वो चेस हुआ था। ये पिछले साल की 100 की है जब जो है वो शुरुआत हुआ था तब की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसके अलावा बात करते हैं अभी, तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर अभी जो है वो बहुत सारे मैचेज यहाँ पे बाकी है तो आप एक बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पे प्रॉफिट उठाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस पीस का जो है बढ़िया से प्रॉफिट उठाओ, 100 का बढ़िया से प्रॉफिट उठाओ, तो 100 में आप देखोगे तो अभी अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पे जैकपॉट पे जैकपॉट जैकपॉट पे जैकपॉट वुमेंस में मेंस में दोनों जो है वो हमेशा जैकपॉट जो है दे रहा था। अभी जो है एक दो दिन जो है वो देखोगे जो संडे था मंडे था वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट मैचेज हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मैचेज हुए हैं। तो अब जो मैचेज होंगे वो जैसे ही एक दो दिन होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आपको स्कोर देखने को मिलेगा, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आपको यहाँ पे जो है मैसेज जो है वो जैकपॉट की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। तो अभी तक आप जो है मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो और जो अपनी प्रॉफिट बनाने की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ से जो है आपकी प्रॉफिट बनाने की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और होप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ताकि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो आएगा आपको जो है उसका अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।